इस गर्मी में सिर्फ 2 मिनट में बना लें ये बहुत ही रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस, जो आपको एकदम तरोताजा कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमस किचन। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी। तरबूज या वाटरमेलन जूस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप तरबूज लिया है। तरबूज के छिलका निकाल के ऐसे काट लिया है। अब इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल देंगे। तरबूज के साथ पुदीने का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। अब हम जार का ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तरबूज मीठा होते हैं तो इसीलिए चीनी का यूज हम यहाँ पे कम करेंगे। तरबूज को ग्राइंड करने के बाद इसे हम छान लेंगे ताकि तरबूज के बीज और पुदीने के पत्ते वगैरह जो है वो निकल जाए। ये देखिए, नीचे एकदम प्योर तरबूज का जूस गिर रहा है। वाओ, इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। एकदम प्योर तरबूज का जो जूस होते हैं ना, इसे पीने का कुछ अलग ही मजा है ना। आप चाहे तो इसमें ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। वाटरमेलन में भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन होता है और ये वेट लॉस करने में भी मदद करता है। अब हम ये फ्रेश जूस में थोड़ा सा, मतलब आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे। उसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर या काली मिर्च का पाउडर डाल दें। जूस को हल्का सा तीखा बनाने के लिए थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और एकदम लास्ट में आधी नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल देंगे। ब्लैक पेपर और भुना जीरा इसमें ऑप्शनल है। और 1 चम्मच से सारे चीज़ों को जूस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यह टेस्टी और फ्रेश जूस को एक सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे। तो ग्लास में पहले थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल देंगे। अब इसमें चॉप्ड तरबूज डाल देंगे। ग्लास को डेकोरेट करने में और खाने में बढ़िया लगेगा। अब इसमें ये फ्रेश और बहुत ही टेस्टी तरबूज का जूस डाल देंगे। इसे मैंने दोनों ग्लास के हिसाब से बनाया है। ऊपर से और थोड़ा सा कटे हुए तरबूज डाल देंगे। तो अभी तो तरबूज का सीजन चल रहा है, तो आप ले आइए और बहुत ही रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस बना ले। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लुक्स देने के लिए इसे इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। तो तैयार है हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग, टेस्टी और हेल्दी वाटरमेलन जूस। इस गर्मियों में आप ये ठंडा ठंडा जूस को जरूर पिए। बच्चे से लेकर बड़े सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।